बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अपने मोहतरम सामईन नाज़रीन के साथ पूरी दुनिया में एक बहुत ही मशहूर किस्म का पौधा और फूल है, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। और ये है गुलाब। गुलाब या रोज़, इंसान जो है इससे सदियों से वाकिफ़ है, इस फूल से। और ये खूबसूरती के लिए, खुशबू के लिए और अद्वियात के लिए ये हज़ारहा साल से इस्तेमाल हो रहा है। इसी को गुले सुर्ख भी कहते हैं। और अब चूंकि सब ने ये देखा हुआ है, उसकी बहुत सारी इकसाम हैं। आजकल तो सुर्ख, सफ़ेद, काला, पीला, बेशुमार रंगों में इसको बना लिया गया है अब। लेकिन जो तिब में इस्तेमाल होता है वो अमूमन गुले सुर्ख के नाम से, जो सुर्ख गुलाब है या गुलाबी जो है, या बाज़ का जो हल्का गुलाबी है, वो इस्तेमाल होता है। जहाँ तक इसके मिजाज की ताल्लुक़ है, पुरानी तिब तो कहती है जी गुले सुर्ख जो है ये मरकबुल कव्वा है, और इसमें कुछ वो जुज़्वे हार जो है, लतीफ़ा यानी कुव्वते हार लतीफ़ा इसके अंदर उसको तस्लीम करते हैं, और कुव्वते बारदा गलीज़ा को भी इसमें तस्लीम किया जाता है। यानी अगर मैं सादा ज़बान में कहूँ तो कुछ लोग जो हैं वो इसकी जो पत्तियां हैं उसके अंदर गर्मी का भी वजूद तस्लीम करते हैं और सर्दी का भी वजूद तस्लीम करते हैं। जहाँ तक कानून मुफरद अज़ा की बात है, तो कानून मुफरद अज़ा वाले जो हैं वो इसका मिजाज आसाबी यानी आसाबी उजलाती, जिसको आप तरसद कह सकते हैं, वो तस्लीम करते हैं। और प्रोफेसर अशरफ साहब, अशरफ शाकर साहब जो हैं, उन्होंने इसका मिजाज जो है फूल का या डंडियों का, और जो ज़ीरा है इसके अंदर जरदाना जिसको कहते हैं, उसका मिजाज उन्होंने दर्जा दोम में मुखाती उजलाती यानी सर्द और खुश्क तस्लीम किया है। और जहाँ तक इसके अफ़ाल और असरात हैं उनको भी ज़हन में रखा जाए तो पता चलता है कि इसका मिजाज जो है वो सर्द खुश्क है। ये जिस्म से सुफरा का इखराज करता है और गर्मी और घबराहट को दूर करता है, और इसीलिए जो बड़ी तिब की मशहूर देसी अद्वियात हैं, मरकबात हैं, जिनमें ख़ास तौर पर मुफर्रा या मुफर्रा शेख रईस है, इसमें गुले सुर्ख इस्तेमाल होता है। और ये जो है ये दुआ जो है ये मुकव्विये अज़ाए रईसा है, और ख़ास तौर पर ये जो खफकाने कलब है यानी दिल की धड़कन का बहुत ज़्यादा हो जाना, इख्तलाज कलब जिसको कहते हैं, या ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना, उसमें बहुत मुफीद रहता है। और पुरानी तिब जो है वो तो समझती है कि ये मुकव्विये बदन भी है और मैदे और अमाख जो हैं, आंतड़ियाँ जो हैं उनकी इसलाह करता है। और इसको ख़ास तौर पर गुलकंद की शक्ल में खासी बड़ी मकदार में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, छटांक, डेढ़ छटांक और इससे ज़्यादा तक भी इसको दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे दो तीन दफ़ा जो है वो इस हाल या पेचश आकर पेट साफ हो जाता है। और हमारे यहाँ देहातों में तो माएँ जो हैं, वो मुझे भी याद है कि बचपन में चावलों वगैरह में डालकर इसको पका कर खिलाया जाता था, और जिससे साल में एक आध दफ़ा जो है वो पेट को साफ कर दिया जाता था। बहरहाल इसके बहुत ज़्यादा फ़वाद हैं। ये ना सिर्फ जो है वो अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसको आप कावे की शक्ल में इस्तेमाल कर सकते हैं, सौंफ का और गुलाब की पत्तियों का कावा। ये सारी उन्हीं असरात का हामिल है जिस तरह के मुफर्रा अद्वियात होती हैं, और जिसमें ये ब्लड प्रेशर को, खफकी को, बेचैनी को, इख्तलाज कलब को, हाई ब्लड प्रेशर को दूर करने के इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये दुनिया भर की बहुत सारी जो तरीक़ेकार हैं, चाइनीज़ तरीक़ेकार है, हर्बल तरीक़ेकार हैं, यूनानी तरीक़ेकार है, यूरोप में, अफ्रीका में,
ये गुलाब जो है ये मुख्तलिफ शक्लों में इस्तेमाल होता है और इसके जो सेहत के लिए असरात हैं वो माने हुए हैं। कोई इसको गुलकान की शक्ल में इस्तेमाल कर रहा है, कोई इसको मरकबात यूनानी की शक्ल में इस्तेमाल कर रहा है, कुछ कोई इसके अरक गुलाब निकाल के इस्तेमाल करता है, कोई इसका रोज़ आयल यानी इसका तेल निकाल कर इस्तेमाल करते हैं। और ये ख़ास तौर पर जो जिस्म के अंदर नागवार किस्म की बदबूएं होती हैं उनको दूर करता है। और ये इतनी बारीक और इसका असर होता है कि इवन ये अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो इंसान के पसीने वगैरह से भी इसकी खुशबू आना शुरू हो जाती है। और लेकिन एक चीज़ है कि अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो एक महदूद और अक्लमंद तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा तो ये इमसाक पैदा कर सकता है, लेकिन अगर इसका समझ के बग़ैर इस्तेमाल किया जाएगा तो मर्दाना कमज़ोरी का भी बायस बन सकता है, लेकिन तरीके से इस्तेमाल करने से ये फ़ायदा और दे सकता है आपको। तो ये एक नहायत ही आसानी से और सस्ते तरीके से मिलने वाला पौधा है और इसकी पत्तियां और इसका जरदाना ये सब ही मुफीद हैं। इसको अपने घरों में उगाएं और इसके जो है फ़ायदे हासिल करें, ये आपको खूबसूरत जवान और सेहतमंद रखने में आपका मददगार हो सकता है। अच्छा, इसकी जो गुलकंद है वो बनानी बहुत ही आसान है। आप पत्तियां ले लें, उनको धोकर साफ़ कर लें और पानी उनका खुश कर लें साए में, ताज़ा हों, और जितनी पत्तियां उतनी वज़न में आप इसमें चीनी डाल के ना दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मस लें, अच्छी तरह हाथों के साथ ही इसको मसल के ना, तो इसको शीशे के मर्दमान वगैरह में ऊपर ढकना लगा के अगर साथ इजाफी शाप पर कुछ डाल लगा दें ताकि ये एयर टाइट हो जाए, और उसके इसको 10 से 15 दिन के लिए आप धूप में रख दें और पहले इसमें चीनी जो है वो हल होकर शीशी रसा बनाएगी, लेकिन फिर कुछ दिनों में वो इसके अंदर बिल्कुल जज़्ब हो जाएगी और ये जिससे जैसे आपको सामने नज़र आ रहा है इस तरह की आपको गुलकंद हासिल हो जाएगी और ये बहुत ही साफ़ सुथरी और लजीज होती है। ये मैंने घर में बनाई है और आप इसको बना सकते हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आपका बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।